तो बावन अभी नहाने के लिए गई है, हम मेरा घर का पूरा काम काज सब हो गया, तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे और वो भी थोड़ा काम है, और क्या काम है क्या सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं रेडी कर ली हूँ जो पहन के हम लोग बाहर जाएंगे, तो पूरा बिस्तर में देखो मैं रेडी कर ली हूँ, चलो दिखाती हूँ, रुको। तो इधर देखो सब कुछ मैं रेडी कर चुका हूँ। इधर मैं साड़ी पहनूंगी, ये वाला साड़ी पहनूंगी बहुत दिन बाद, ये सेकंड टाइम होगा मैं साड़ी पहनूंगी, पूजा में अष्टमी दिन पहना था, ये साड़ी पहनूंगी। और ऐसे कौन सा इयर रिंग मैं पहनूँ वही सोच रही थी। एक ये इयर रिंग है नया वाला जो अभी तक मैं नहीं पहना है, एक ये है जो मैं पहन चुकी हूँ अष्टमी पे, ये भी पहन चुका हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा है ये चार में से कौन सा मैं इयर रिंग पहनूँ, इसलिए मैं साड़ी निकल के रखी हूँ, बाबा ना के चूज़ कर देगा फिर मैं वो पहनूँगी। और गले का हार ये भी नया वाला है, एक दिन भी अभी तक नहीं पहना मैंने, बाबा ने खरीद के दिया था, एक दिन भी अभी तक नहीं पहना मैंने। तो सब कुछ मैं तैयार कर चुका हूँ। और इधर चूड़ी भी है, इधर बैंगल्स भी है, ये पहनूँगा। और बाबन क्या पहनेगा मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं ये टी शर्ट और ये ब्लैक वाला और टी शर्ट और ये शर्ट और ये टी शर्ट ये तीन बाहर निकल के रखी हूँ, बाबन को जो पसंद आएगा वो पहनेगा। तो देखती हूँ, बाबन नहाने के लिए गई है, वो आने पे कौन सा पहनेगा वो डिसाइड करेगा, और मैं कौन सा इयर रिंग पहनूँगी वो भी वो डिसाइड करेगा। तो देखो पूरा बिस्तर देखो एकदम सजा के रखी हूँ मैं, ये पहन के हम लोग अभी जाएंगे, हम लोग जाएंगे थोड़ा बाज़ार, क्योंकि सुबह उठ के हमारा तो ब्रेकफास्ट हो चुका है लेकिन घर में कोई सब्जी नहीं है। कल ही हो जाने का प्लान था लेकिन कल नहीं हुआ, लेकिन आज जाएंगे बाज़ार। बाज़ार से आने के बाद फिर हम लोग तैयार होकर निकलेंगे हमारा जो काम है वो काम करने के लिए। तो लोकेशन क्या है, क्या काम करने वाले हैं, सब कुछ शेयर करेंगे। साड़ी पहन रही हूँ, कोई ना कोई तो बात हो गई। तो चलो बाबन पहले आ जाए और रेडी हो ले, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा नहाना हो गया और गुड्डू अभी दरवाज़ा लॉक कर रहा है, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। तो कुछ चीज़ लेना है हम लोगों को बाज़ार से, इसलिए देखो हम लोग एकदम तैयार होके जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। तो देखो सब कुछ बाज़ार करके हम लोग आ गए हैं, और ये सारे सब्जी मैं अभी फ्रिज में रखूंगी, और गुड्डू अभी तैयार होगा क्योंकि हम लोग अभी और भी बाहर जाएंगे। मैं अभी लेट ही होंगी क्योंकि बहुत पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं, आधा घंटा, और लेट करेंगे तो और एक दो घंटा लेट हो जाएगा। तो चलो अभी और ज्यादा बात नहीं, तैयार होने में भी टाइम लगेगा, तैयार हो जाओ, जाओ। तैयार हो गए और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ शूट वगैरह करने के लिए। हम लोग किधर जाएंगे, क्या शूट होगा, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो अभी ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, तो चलो अभी जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं और जाते हैं स्पॉट पे। तो चलो चलते हैं, हम लोग आ गए हैं पार्क में, और इस पार्क में अभी अभी होगा डांस का शूट, लेकिन इस पार्क में दो तीन लड़का और लड़की आई है, इतना बदतमीज़ है क्या बोलूँ। पार्क में आते हैं सिर्फ मज़े करने के लिए, और कोई जगह नहीं मिलता। हम लोग वीडियो कर रहे हैं तो वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग उधर बैठेंगे और हम लोग उधर से चले आए, क्योंकि उसको यही करना है इसलिए हम लोग को उठा रही है। तो वो लोग हमारा छोटी छुपे वीडियो भी कर रहा था, इतना बदतमीज नहीं देखा, अच्छे खासे ड्रेस पहन के उसके अंदर इतना बदतमीज सच में नहीं देखा। तो उससे हमारा कोई नहीं जाता क्योंकि हम लोग खुद ही वीडियो करते हैं, अगर हमारा वीडियो करके वो छोड़ेंगे उससे हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा बहुत वीडियो कर चुके हैं आके, क्योंकि धूप जा रहा है, दिमाग गर्म हो जा रहे, ठाश करके चप्पल लगा, ठीक है ठीक है। तो अभी भी हम लोगों का थोड़ा शूट बाकी है, इसलिए हम लोग अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी शूट करेंगे क्योंकि धूप भी चले जा रहा है, अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम लोगों का शूट कंप्लीट नहीं होगा। तो चलो हम लोग थोड़ा बहुत आप सबसे बात कर लिए और अभी हम लोग बाकी जो शूट वगैरह है, चलो चलते हैं। तो
हम लोग बैग पैक करके अभी एकदम शूट वगैरह हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, तो बैग पैक कर रहा है गोटू। एकदम अंधेरा हो चुका है अभी, अच्छा रील्स भी नहीं हो रहा है, अच्छा फ़ोटोशूट भी नहीं हो रहा है। इतना देरी करके हम लोग निकले और इतना देर हो गया कि डांस का शूट करते करते पूरा देखो एकदम शाम एकदम अंधेरा हो चुका है। इतना अच्छा सच के सबर के आई, थोड़ा सा बैठ जाओ क्योंकि हम लोग अच्छा सच सबर के आई हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, कुछ फ़ोटोशूट भी नहीं अच्छा हुआ, कुछ रील्स भी अच्छा बनाना नहीं हुआ, तो इसलिए अभी देखो हम लोग बैठ गए हैं और अभी अंधेरा हो रहा है, अभी ठंड भी पड़ेगा ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग को निकलना पड़ेगा इधर से क्योंकि हम लोग ठंड का कोई कपड़ा लेकर नहीं आए हैं, और इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी घर चले जाएँगे और थोड़ी देर इधर 5-10 मिनट बैठेंगे क्योंकि थोड़ा अभी अभी शूट खत्म हुआ, थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। और हम लोग थोड़ा पार्क में इतने टाइम देख रहे थे कि सब लोग पार्क का मज़े ले रहा है, मतलब हम लोग सिर्फ बैठ के पार्क का ये सब लोगों का मज़ा लेने का मज़ा लेंगे अभी। तो चलो 10 मिनट इधर बैठने के बाद हम लोग निकलेंगे घर की तरफ क्योंकि इधर से घर भी बहुत दूर है, जाते जाते टाइम लग जाएगा और ठंड भी पड़ रहा है। चलो तो इधर बैठते हैं फिर जाते हैं। पूरा बेड का हालत देखो, तो आ गए हम लोग, पानी पूरी खाया, इतना तीखा था, क्या बोले, घर के सामने जो हमारा पानी पूरी बैठता है बहुत ही टेस्टी बनाता है, तो वहीं से हम लोग उधर से घूम के आए इधर पानी पूरी खाने के लिए। तो पानी पूरी खा के अभी अभी जस्ट घर पे आए हैं और आके देखो पूरा बेड का हालत एकदम ख़राब है। अभी ये सब कुछ क्लीन व्लीन करना पड़ेगा और पहले चलो हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, और अभी शाम को भगवान जी को दिया भी दिखाना है, तो मैं अभी जाऊँगा फ्रेश होने, फ्रेश होने के बाद भगवान जी को दिया दिखाएंगे। तो चलो शाम का टिफिन आ गया, इधर है छाना बोलते हैं छाना, और इधर है ब्रेड और इसके अंदर मक्खन और शक्कर देके अभी खाएगा टोस्ट, बटर टोस्ट बोलते हैं ना वो मैंने किया है, और ये दूध मैंने हॉलिस करने के लिए गए थे लेकिन दूध फट गया है इसलिए इसका छाना निकाल लिया, और अभी छाना ही हम लोग खाएंगे और उसके साथ ब्रेड टोस्ट। तो यही है हमारा आज का शाम का टिफिन। तो चलो भूख भी लग गया है इतना सारे, मतलब वीडियो शूट करने के बाद घर पे आके भूख लग गया है, तो चलो अभी ये खा लेते हैं हम। मतलब मैं इतने देर तक बैठी थी इधर और फ़ोन में थोड़ा काम कर रही थी और घूटू गई है खाना पकाने क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा, तो मैंने बोला कि जाओ जल्दी जल्दी खाना बनाओ क्योंकि मुझे अभी खाना है। तो अभी मुझे और इधर रहा नहीं जा रहा है क्योंकि वो जो खाना पका रहा है ना उसका स्मेल आ रहा है, तो मैं आपको किचन पे लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि गुटू क्या कर रहा है। ये देखो ये इतना सुंदर सुंदर बाबा देखो, अच्छे से आलू दम होगा, देखो आज ये आलू दम होगा, ये क्या देखे बताओ, सब कुछ दही दही मटर शूटी सब कुछ मसाला देके आज आलू दम होगा। आलू दम, मेरा हालत तो खराब होते जा रहा है। और उसको फ्राइड राइस खाना था लेकिन मैं दोपहर को ही चावल करके रखी थी, मैं क्या करूं, तो मैं उसको बोला चावल ही खा लो यार, मैं रोटी या पराठा बना लेती हूँ, लेकिन उसने बोला नहीं, तो मैंने सोचा वो फ्राइड राइस बोल रहा है तो चावल तो है, सब सब्जी देखे मैं फ्राई करके दे दी उसको मतलब फ्राइड राइस और ये आलू का सब्जी आलू दम। तो आलू दम ये सुनने के लिए मैंने बोला आलू का सब्जी नहीं, ये आलू दम है। तो मैं अभी इंतज़ार करती हूँ कि कब गुटू ये अच्छा अच्छा खाना बना के फिर मुझे दे। चलो बना लो तुम रात का डिनर और मैं अभी चलती हूँ घर पे। हम लोग जब बाहर निकले थे आज मतलब शूट करने के लिए, जो वीडियो हो वीडियो तो आएगा, लेकिन उस वीडियो का अभी मुझे एडिट करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत एडिटिंग चल रहा है और बहुत ही जल्द आ जाएगा वो डांस चैनल पे डांस का वीडियो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, वो ज़रूर आप लोग चेक कर लेना, और मैं तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जाके चेक कर लेना। और आज तो मतलब शूट करने में बहुत ही हद हो गया, आप लोगों तो बोला ही कि क्या इंसिडेंट हुआ उधर, हम लोग अच्छे से आज शूट भी नहीं कर पाया, क्या बताए। और क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं बोल रही मैं। और क्या, ऐसे ही गया आज का दिन, और मैं अभी इंतज़ार करती हूँ कि घुटू का खाना लेकर जाए। और पता नहीं मेरा 2 दिन से इतना ज़्यादा भूख लग रहा है ना, मतलब कुछ खा ले
मतलब अभी कुछ खा रही हूँ, फिर 5-10 मिनट बाद और भी भूख लग रहा है, फिर खा रही हूँ फिर भी भूख लग रही है, पता नहीं क्यों ऐसे बार बार भूख लग रहा है। और घूटू तो गुस्सा हो रहा है कि अभी तो खाया तो अभी क्यों भूख लग रहा है, पता नहीं, मतलब खाने का मन कर रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसे ही। और घूटू भी मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के दे रहा है। तो आप लोगों ने तो देखा ही कि हम लोग शाम को आके क्या खाए थे, और बाहर से पानी पूरी भी खा के आए थे, और अभी घर पे बन रहा है इतना अच्छा अच्छा खाना, मतलब आलू दम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज रात तो यही डिनर है, और इंतज़ार करते हैं कि गुटू कब दे मुझे, क्योंकि और भी भूख लग गया मुझे, ये जो स्मेल आ रहा है वो स्मेल से और भी भूख लग गया। तो चलो गुटू सब कुछ खाना बना के लेकर आए, फिर आप सभी को दिखाते हैं। तो देखो आ गया, इधर है फ्राइड राइस, मतलब राइस फ्राई करके, और इधर है देखो आलू दम। आहा, ये आलू दम देख के किस किस का मुंह में पानी आ रहा है कमेंट में बताना, मुझे तो आ रहा है आप सभी को बताते बताते। तो चलो और देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो हम लोग डिनर कंप्लीट करके एकदम मस्त खाना खा के एकदम बैठ गए हैं, और मुझे अभी थोड़ा गर्मी ठंडे सब कुछ लग रहा है एक साथ, इसलिए मैं स्वेटर खोल दिया हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे गर्मी लग रही थी लेकिन अभी ठंड लग रही है, मतलब अभी हम दोनों सोएंगे डिनर खाने के बाद। मैं बोल रही थी थोड़ी देर पहले, डिनर तो बहुत पहले हो चुका, आधा घंटा हो चुका है हम लोग का डिनर हो गया, तो मैं बोल रही हूँ अभी फिर से मत बोलना आज में भूख लगी है, और वो बोल रही नहीं मैं एकदम पेट शांति करके डिनर किया आज, तो इसलिए मुझे भूख अभी अभी नहीं लगेगा, रात 2:30 बजे लग सकता है ना। हाँ उतने देर तक लग ही सकता है, लेकिन अभी नहीं लगेगा भूख। तो चलो अभी हम लोग सो जाएंगे, और सो के भी बहुत सारे काम है फ़ोन पे, तो चलो वो सारे करके फिर हम लोग सो जाएंगे, और कल सुबह भी मेरा योगा क्लास है तो मुझे जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए आज का व्लॉग हम लोग एंड कर देंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई व्लॉग वीडियो सब कुछ लेके। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।